वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। एक्चुअली आज आपको थोड़ी सी सुस्त लग रही होगी, मैं क्योंकि आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे एक्चुअली में बैक पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो आज है संडे, तो वैसे तो आज कुछ ऐसा खास सोचा नहीं है। अभी मैं, मेरे हस्बैंड और बेटा, हम आने जा रहे हैं मार्केट तक। अभी इसका एक्चुअली पांचों के हमने बाल कटिंग करवानी है। बाल इसके बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो हमने सोचा इसकी कटिंग करवाएं। तो फिर आगे ठंड भी बहुत है, तो आज संडे में इसके बाल नहीं कटवाए जाएंगे, तो हमने सोचा कि आज इसके बाल कटवाते हैं। तो चलो आपको भी थोड़ा सा विजिट करवाती हूँ आनी मार्केट का। सुंदर बनाना हमने पाँच। मशीन से डर लग काटने बेटा हमने ना कुछ नहीं होता। पापा भी तो काट रहे हैं। बाल आपके कितने गंदे हो गए हैं। अभी हमने जाना मिठू और फलकिन के पास, बोली कैसा गंदा है पंच है। थोड़े से काटने बेटा, बाहर नहीं जाना। ओ फ्रेंड्स, ये मेरे हस्बैंड अभी कटिंग करवा रहे हैं। अभी मैं पांशु को मना रही थी कि कटिंग करवा ले, चलो देखते हैं वो करता है कटिंग या नहीं करता है, देखते हैं अब क्या होता है। एक वीडियो भी बना दी, अच्छा बैठ तो सही, बैठ तो सही। इसको छोटे करने है ना, मशीन में आ रहे थे वैसे पकड़ पा तो। बस सुन 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 सुन, या देख ना मुंह बोल क्या रहे, एक बार सुन तो सही, क्या बोल रहे, एक बार सुन तो सही। आपको बाहर चॉकलेट, अरे चॉकलेट लेके आऊंगा फिर वो मारेंगे बेटा, बोलेंगे क्यों ले गए इसको, फिर अब क्या करना। सुन तो सही, देख पापा को मेरे को कहीं काटा, बाल छोटे किए ना, आप भी छोटे करें, छोटे करने बेटा, सिर्फ छोटे करने पांचु। आपके बाल मामू बैठ तो सही, पंडित भैया को कैसे बनाया है, बैठ तो सही, एक बार बैठ बेटा। अब पकड़ के रखना पड़ना है, तब काट देंगे, मुंडी रखी पकड़ी है। मैं तो भाव काटेगा इसके परे, हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, बाल निकाल देते हैं, नहीं तो फिर लड्डू भी नहीं मिलेगा। मैं तो खा रहा हूँ वो लोग लड्डू, उसके बाद बाल कटाने पड़ते। दो थोड़ी ना खाएगा, दो क्यों मांगे इसको यार, ये एक ही खाएगा। ठीक है देख, खाने जितने भी खाएगा। मैंने नहीं, तू तो शक्ल ही मत दिखा ना। तो नहीं क्या हाल है, देखो ये दो प्राणी, तेरी इलेक्शन ड्यूटी कैसी है, पहले ये बता नहीं क्या कैसी रही हमारा, कब मैं तेरे को कब मारा, कैसी बाल नहीं कटा रहा, लड्डू खाना बोला। आया कब, हेलो कैसा रहा फिर, इसको एक ही टेंशन पड़ी, बाल नहीं काटने थे बोला मैंने। क्यों क्यों बेटा, ये देखो जी ये रावण, ये रावण अब ये बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है, क्योंकि पांशु तो बाल काट नहीं रहा है हमारा। इसको लाने का कोई फायदा नहीं हुआ, नेक्स्ट इसको हम नहीं लाएंगे घुमाने, हम बाल नहीं काटता ना, बिल्कुल नहीं लाएंगे हम। ठीक है, ठीक है बेटा, बस बस ऐसे मत कर, मारते फिर। बंदर पेस्ट्री खा रहा है पांशु, सुनो आप खिलाओ इसको, सारा सारा गिराएगा ये।
दे मैं खिलाता हूँ, स्पून दे दे मेरे पास, खुद खाएगा, मैं खिलाता हूँ, इधर मोड़। तो अब हम निकल पड़े हैं, निकलते हैं अब यहाँ से, क्योंकि अब इसने जो खाना था वो खा लिया, देखो कैसे अपने पापा को पकड़ के बैठा हुआ है। तो चलिए अब चलते हैं हम अब। हाँ, अभी मुझे एक चीज़ और ध्यान आई कि यहाँ पे कल से 1 तारीख से लबी का मेला स्टार्ट होने जा रहा है। तो अभी हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो लबी ग्राउंड में पांशु को थोड़ा सा घुमाएंगे, क्योंकि वहाँ पे अब मिक्की माउस वगैरह वो लगे हुए बच्चों के खेलने के लिए, जंपिंग जंपिंग का। तो अभी इसको वहाँ ले जाते हैं। देखिए अब हम निकल चुके हैं यहाँ पर लबी ग्राउंड की ओर। देखिए पांशु के साथ आगे आगे दौड़ रहा है, इसको एक्चुअली वो मिक्की माउस दिख गया है तो बोलता है कि मैं वहाँ पे जाना है, मुझे वहाँ खेलना ही खेलना है। तो अब ये पता नहीं कितना टाइम लगाने वाला है यहाँ पे, चलिए देखते हैं। अंकल जी नमस्ते, ठीक है आप? बढ़िया। पांशु कहाँ खेलना आपने? पांशु पांशु कहाँ खेलना आपने? इस वाले में या उस वाले में? किस वाले में? हाँ मेरा बेटा है। हाँ बोलते रहा है, पर छोटे वाले में देखी उसको। अरे गुलाम तो नहीं कर रहे वाले में खेलना बताओ। ये बहुत बड़ा बेटा, उधर चलो छोटे में खेलना बेटा, छोटे वाले में चलो, ले चलो 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 परे वाले में चलो बेटा। पहले आगे जैसे खोलो थोड़े, यहाँ मिट्टी में थोड़ा ना खुलवा रहे। आंशु के पापा इसके शूज खुलवा रहे हैं। एक्चुअली मैं यहाँ हमारे कल से लवी मेला, मतलब जिसे सिराज उत्सव के नाम से भी जाना जाता है, वो कल से स्टार्ट हो रहा है एक्चुअली में। तो देखिए ये तैयारियाँ स्टार्ट हो चुकी है और ये जो मेला है हमारे आराध्य देव शमश्री महादेव के सानिध्य में मनाया जाता है। तो मैं आपको कल ज़रूर शमश्री महादेव की मतलब रथ में आएंगे शमश्री महादेव, तो वो भी मैं मेले की हल्की सी झलकियाँ आपको अगले ब्लॉग में दिखाऊँगी। फिलहाल अभी हम मेरा बेटा यहाँ पे इसमें खेल रहा है, मस्तियाँ मार रहा है, चलो थोड़ा इंजॉय चला गया। ये देखिए कैसे कूद रहा है मेरा बंदरू जैसा छोटा सा। अब ये बहुत मस्त हो चुका है, इसको काफ़ी देर भी वहाँ जाके हो चुकी है। ये अब निकलने के लिए मतलब बहुत ही ना कर रहा है। अब मैं देखती हूँ किसी तरह से इसको बहला फुसला के निकालती हूँ, बट बच्चे जब इसमें मिकी माउस में चले जाते हैं ना, तो यहाँ से निकलना इनके लिए मतलब ऐसा हो जाता है जैसे कि आफत है। मैंने बस बहुत 2-3 बार ट्राई कर दिया इसको निकालने का, बट ये शायद नहीं निकलेगा। पर देखिए कोशिश करता है, फिलहाल तो ये बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा है। पर देखती हूँ मैं इसको निकालने की, यहाँ से थोड़ी सी कोशिश करती तो आप ये पांच अंदर घुस गया है, और पता नहीं अभी इससे भी कितनी जल्दी बाहर निकलता नहीं है, कैसे कूद के नीचे गिर रहा है। कूद बेटा, जंप मार, मार जंप मार। ए, यहाँ बीच में आके मार जंप, बीच में ऐसे मजा आएगा, अब मार जंप। तो फाइनली पांशु निकल चुका है, अब थोड़ा सा अब हम निकल रहे हैं घर की ओर। बट नहीं, पांशु का मन अब यहाँ घूमने का है शायद। हाँ, इसे उधर घुमा रहे हैं,
थोड़ा सा अब भी उसको टॉयज की शॉप दिखी है, शायद वहीं जा रहा है ये। हाँ बिल्कुल टॉयज की शॉप में ही गया। ऐसा बेटा पूरी दुकान तो आपको दे नहीं सकते है, एक चूज करो आप। पाशु एक चूज करो बेटा, वन चूज करो, एक चूज करो, एक मिलेगा, एक चूज करो, एक ही मिलेगा। इसमें इसमें पीछे डॉग भी है, डॉग है क्या है इसमें। देखो जी फाइनली इसने ट्रक ले लिया, इतना बड़ा वो भी। पाशु नौ दोनों नहीं एक, कहाँ 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 चुप कहाँ। ये तो पहले कंफ्यूज हो गया था, बोला गाड़ी कौन, बहुत सारी गाड़ियां देख के कंफ्यूज हो गया। और बाकी आप ठीक है, आप लव यू घूम रहे हैं, कैसा लग रहा है। हमने सोचा हम ही स्टार्ट कर ले। शुभारंभ कर दी बराबर, शुभारंभ कर लिया हमने। आपकी शॉप कौन सी लगी है। मैंने कहा शॉप है, आप बोल रहे आपने लगाई नहीं, लाइट ही नहीं। और क्या हुआ, अच्छा दिमाग ना करो खराब। क्यों, मैंने बोला नहीं था आपको। अभी नहीं खोलते यहाँ पे लोग फोन पे, अभी घर पे खोलेंगे, क्या करे। मैंने क्या बोला था, बोला था। हाँ तो फिर क्या दिक्कत हो गई। सब ये पांचु के लिए लिया, थोड़ा सा सामान मान तो ये रहा नहीं था, तो अब हम चल पड़े हैं वापिस। बेटा सर पे लगेगी इसको, छोड़ इसको पांचु। तो चलिए अब निकलते हैं घर, क्योंकि फिर स्कूटी पे ठंड भी लगेगी, फिर धूप भी चले जाएगी, तो फिर ठंडा सा मौसम हो जाएगा। तो है बेटू, है पांशु, क्या क्या किया पुत्र आपने। मिकी माउस में बैठे, और ये देखो ट्रक भी लेके आ गया। तो गाइस अब हम घर निकल चुके हैं, तो बस ये रास्ते में ही पहुंचे हम, थोड़ी देर में हम घर पहुंच जाएंगे। तो बस यही था आज का छोटा सा हमारा सफर। सो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं घर, और आज संडे, एक्चुअली इन दो छुट्टियों में हम घूमने ही हुए, घर पे तो हम बिल्कुल नहीं बैठे। कल हम सैटरडे को वोटिंग करने गए थे, तो उस दिन भी हमारा पूरा दिन ही मतलब लग गया। शाम को हम ऐसे ही 4:30-4:05 बजे हम यहाँ पहुंच गए थे वापिस। तो आज गए थे हम मान्यू, एक्चुअली मैंने सोचा कि मेरे हस्बैंड ने बोला कि मुझे कटिंग करनी है, शेप शूप करनी है, तो मतलब तुम भी चलो और पांशु के भी हेयर कट करवाते हैं। एक्चुअली उसके बाल बहुत लंबे होने स्टार्ट हो गए, और उसके बाल काटना मतलब बहुत बड़ी टेंशन की बात है, और वो ही हुआ। हम उसको बाल काटने ले गए, लेकिन बट वो देखो बाल नहीं कटवा पाया, तो ये तो हमारा उसको ले जाना, चलो ठीक है उसकी आउटिंग हो गई, क्योंकि बहुत बहुत टाइम बाद देख तो घर से बाहर निकलता है वो, थोड़ा सा उसकी आउटिंग हो गई। थोड़ी इसने मस्ती की, क्योंकि आने में मैं ये चीज़ बताना ही भूल गई थी, मेरे मतलब ध्यान में ही नहीं था कि आनी लवी जो हमारा सिराज उत्सव है कल 1 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो आई थिंक 3-4 दिन का वो मेला लगता है, बहुत अच्छा मेला लगता है, शमश्री महादेव आते हैं उसमें। हमारा आनी सिराज उत्सव कल से स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग सब इनवाइटेड है, वेलकम टू आवर सिराज उत्सव, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है सिराज उत्सव में, तो आइएगा, बट सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिएगा, मास्क प्रॉपर लगा के रखिएगा, क्योंकि गैदरिंग होती है बहुत, तो बहुत लोगों के बीच में। आज की डेट में वैसे भी ठंड बहुत बढ़ रही है, तो सर्दियों में कोविड का खतरा भी थोड़ा बढ़ता है, तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिएगा और प्रॉपर मास्क यूज़ कीजिएगा, क्योंकि कोविड तो आपको पता ही है कि कोविड ने वैसे भी बहुत ज़्यादा 2 सालों से परेशान कर रखा है, तो प्रिकॉशन अपने हाथ में है फ्रेंड्स।
तो ये था मेरा एक छोटा सा ब्लॉग। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल आइकन दबाना भी ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। पॉसिबल रहा तो मिलेंगे ऊपर, आपको ज़रूर एक वीडियो ले आऊँगी एक दो दिन में। तो अगर मैं लवी में गई तो मैं ज़रूर आपको वीडियो लाऊँगी, अगर नहीं गई तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।